मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं किचन विद किरण यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरवी के पत्ते। ये अरवी के पत्ते बहुत मज़े के बनते हैं और जब कभी बारिश का मौसम हो इनको बनाया जाए और चाय के साथ खाया जाए तो बहुत मज़ा आता है। जिनको बनाने के लिए हमें सबसे पहले किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सबसे पहले हमने लिया है बेसन, लिया मैंने आधा किलो, गरम मसाला लिया मैंने 1 टीस्पून, ज़ीरा लिया मैंने 2 टेबल स्पून, सूखा पीसा धनिया लिया मैंने 2 टेबल स्पून, धनिया लिया मैं हसबे ज़रूरत, लाल मिर्च पाउडर लिया मैंने 2 टेबल स्पून, हल्दी लिया मैंने 1 टीस्पून, नमक लिया मैंने 1.5 टेबल स्पून। बेसन में अपने सारे स्पाइस मैंने आपको बता दिए हैं, वो शामिल कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बैटर मेरा तकरीबन इस तरह मिक्स हो गया, मैंने इसमें पानी ऐड किया था। अब मैं इसमें अपनी हरी मिर्ची ऐड करूँगी जो मैंने ली है 7 से 8 अदद, उनको मैंने बारीक बारीक ऐसे कर लिया था। और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी और फिर मैं इसको और मिक्स करूँगी। हमने ज़्यादा पतला नहीं करना अपने बेसन को, तो वरना हमारा बैटर बहुत पतला हो जाएगा। ये देखिए अरवी के पत्ते लिए मैंने 1/2 किलो। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये देखिए पत्तों के अंदर ये हल्की सी लकड़ी सी होती है, मैं इनको थोड़ा सा काट लूँगी ऐसे, थोड़ा सा बस ये चीज़ को उतारना, अपने सारी नहीं उतारनी बस ये चीज़, क्योंकि ये सख्त होती है फिर ये भी में पकती नहीं आई। देखिए ऐसे हो गया, ये मैंने पत्ता ले लिया। अब मैं इसके ऊपर सारा बेसन लगाऊँगी। ये देखिए ऐसे आपने सारा बेसन लगाना, पूरे पत्ते पे हम ऐसे बेसन लगा लेंगे। ये देखिए मैंने सारा बेसन लगा लिया अपने पत्ते के ऊपर, अरवी के पत्ते के ऊपर। इसी तरह मैं अपना दूसरा पत्ता भी इसी के ऊपर ऐसे रखूँगी, इसको भी मैं उसी तरह पत्ते के ऊपर पत्ता रख के सारा बेसन ऐसे अच्छी तरह से पूरे ऊपर लगा लूँगी। इसी तरह मैं 4 पत्ते इस तरह रखूँगी और बेसन लगा लूँगी। ये देखिए 4 पत्ते मैंने लिए थे, चारों को मैंने अच्छी तरह एक जैसा देखे बेसन लगा लिया है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने पहले एक साइड से इतना फोल्ड किया करूँगी, ये देखिए ऐसे फोल्ड कर लिया। अब मैं इसके ऊपर भी ऐसे बेसन लगाऊँगी, ऐसे बेसन लगा लिया। अब मैं इसको इसी तरह दूसरी साइड से भी इतना फोल्ड करूँगी, ये देखिए ऐसे, और इसके ऊपर भी ऐसे बेसन लगा लें ताकि हमारे पत्ते आपस में अच्छी तरह चिपक जाए। ये देखिए बेसन लग गया। अब मैं इसको ये देखिए नीचे से भी ऐसे फोल्ड करूँगी, थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करूँगी और ऐसे बेसन लगा लूँगी, और फिर मैं इसको ऐसे आराम से ऐसे फोल्ड करती जाऊँगी। ये देखिए ऐसे, ये देखिए आपने भी इसको, ये देखिए मेरा कितना ही अच्छा रोल बन गया। अब मैं इसकी साइड जो है उन पर भी बेसन लगाऊँगी ताकि ये किनारे भी ना खुलें इसके साइड से। देखिए दोनों साइडों पे इस तरह बेसन लगा लेंगे। देसी लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया उनके पत्तों को भाप देने के लिए, इसमें थोड़ा पानी डाला। ये देखिए अब मैं इसके अंदर ये स्टैंड रखूँगी। ये देखिए मैंने ये छाननी ली है, ये रख दी स्टैंड के ऊपर मैंने। ये देखिए ऐसे पत्तों को इनके ऊपर रख देना, इसको हम भाप देंगे और उसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूँगी ऐसे 5 से 10 मिनट भाप देंगे। ये देखिए मैंने अपने अरवी के पत्ते पानी में से निकाल लिए, भाप जो इनको दी थी, देखिए इनका कलर कितना अच्छा आ गया। अब मैं इनको 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रखूँगी। अब मैं इसके पीस करूँगी, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए पीस कितना अच्छा है। ये देखें, देखिए कढ़ाई में मैंने ऑयल लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब मैं अपने अरवी के पत्ते इसमें फ्राई करूँगी, हल्की गैस पर आपने इनको फ्राई करना है। ये देखिए हमारे अरवी के पत्ते बहुत अच्छे फ्राई हो चुके हैं और मेरे अरवी के पत्ते तैयार हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक करना मत भूलेगा। फिर मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़।